हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की फिजिकल काउंसलिंग को लेके। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पोल्स मेरे पास रिसेंटली आ रहे हैं कुरुक्षेत्र की फिजिकल काउंसलिंग को लेके, तो उन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस और थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए और आप किसी भी कंफ्यूजन में ना पड़े, राइट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है कि क्या फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है? तो जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की फिजिकल काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है kuk.ac.in, वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो ये है कि क्या फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है? तो जी हाँ, फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास आप पूछ रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का? तो देखिए, जहां पर आपने मेरिट लिस्ट चेक करी थी अपनी, जहां पर आपने अपनी मेरिट लिस्ट चेक करी थी, यानी एडमिशन पोर्टल पे जाकर आपको अभी भी वही करना है। एडमिशन पोर्टल पे आपको जाना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। वहां पर आपको जो है एडमिशन प्रोसीजर फॉर 2021-2022 इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। वहां पर जाकर आपको जो है अपर टास्क बार जो होगी, जैसे कि मान लिया हमारे पास ये पेज है, यहां पर ही आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के। तो यहां पर आप रजिस्टर करके अपने आप को फिजिकल काउंसलिंग के लिए अवेलेबल करवा सकते हो। तीसरी बात जो बच्चे पूछ रहे हैं, फिजिकल काउंसलिंग के लिए अमाउंट कितनी हमें पे करनी पड़ेगी, क्या हमें दोबारा से सारा फॉर्म भरना पड़ेगा? तो देखिए, अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा था तो आपको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आपको जस्ट दो तीन प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी जिससे कि आप फिजिकल काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सको। और जो फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की फीस है वो है 200 रुपीज, ठीक है। ये है फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की फीस। फोर्थ जो हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या अपने डीएमसी को अब अपलोड कर सकते हैं, जिन्होंने किसी भी कारणवश से जो रजिस्ट्रेशन पहले हुए थे उसमें वो किसी भी रीजन से मे बी रिजल्ट नहीं आया हो या फिर डीएमसी अपलोड नहीं हो रही हो, उनकी डीएमसी अपलोड नहीं हो पाई थी, तो क्या वो अब डीएमसी अपलोड कर सकते हैं? तो जी हाँ, अब आप फिजिकल काउंसलिंग के अंदर जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा था, तो आपको एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पे जाकर अपने आप को लॉग इन करना है। वहां पर आप डीएमसी को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ जो है, बच्चे ये पूछ रहे कि सर हमसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहां से लाए? अभी तो यूनिवर्सिटी वालों ने तो रिजल्ट दिया है, माइग्रेशन लेने के लिए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो देखिए, आप अगर ध्यान से चेकआउट करोगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपल्शन नहीं है, उसके सामने स्टार नहीं लगा हुआ। आपके पास चार से पांच ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे करके, यहाँ पे सबके आगे तो स्टार लगाया हुआ है लेकिन माइग्रेशन के आगे स्टार नहीं लगाया हुआ। इसका क्या मतलब है कि माइग्रेशन सबमिट करवाना अभी कंपलसरी नहीं है, बाद में जब एडमिशन हो जाएगा आप अपने यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेके सबमिट करवा सकते हो। बाकी हाँ, अच्छा रहेगा अगर यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन ले आओगे, क्योंकि जो चीज पहले कर बाद में करनी पड़ेगी वो अभी भी हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, राइट। क्योंकि फिर तो दिवाली का टाइम है, यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी 3-4 दिन वगैरह एक्सेट्रा, तो बढ़िया रहेगा ले आओगे तो और अपलोड कर दोगे तो, ताकि बाद की प्रोसेसिंग जो है डॉक्यूमेंटेशन की वो बच जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे। तो आई होप आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, एंड फिर भी कोई डाउट रहता है इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।